हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। दुआ करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने टाइटल में देख लिया होगा, आज मैं बात करने जा रही हूँ हेयर कर्लर के बारे में। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर मुझे मिल गया था। इसकी परचेस लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, तो आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्विकली देख लेते हैं, ज्यादा बातें नहीं करते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड थी आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर करने के लिए, क्योंकि मैंने इसे एक ही बार अभी यूज किया है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और जब मुझे कोई चीज अच्छी लगती है तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ भी मैं उसे जरूर शेयर करती हूँ। और आपके साथ शेयर ना करूं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं, ज्यादा बातें नहीं करते हैं, कि ये किस तरह का कर्लर है और कैसे आपके बालों को कर्ल करता है। तो चलिए देख लेते हैं। सो यहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हो मेरे हाथ में है ये नोवा हेयर कर्लिंग आयरन। ये इस तरह की पैकेजिंग में आया था, कार्डबोर्ड पैकेजिंग में। इसे मैं ओपन कर चुकी हूँ क्योंकि मैंने इसे यूज किया था, तो मैं इसे ओपन कर चुकी हूँ। ये देखिए इस तरह की इसकी स्टिक है। और इसकी सबसे पहले अगर मैं वायर की बात करूं तो वायर इसकी ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा लंबी नहीं है, तो वायर इसकी ठीक ठाक है। और आप देख सकते हो इस तरह की इसकी पैकेजिंग है, इस तरह की इसकी क्यूट सी ब्लैक कलर की पैकेजिंग में आता है। इसकी जो हैंडल है वो ब्लैक कलर की है, ये देखिए। और इसके साथ आपको एक ये कॉम मिल जाती है, ये देखिए इस तरह से ये ब्रश है, तो काफी अच्छा है। आप इसे अपने बालों को कॉम भी कर सकते हो। अभी तक मैंने इसकी वायर लगाई नहीं है। वाओ, काफी अच्छा है इसका ये कॉम, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये देखिए तो बहुत ही अच्छा है। सबसे अच्छी बात मुझे इसकी ये लगी है कि आप इसे इजीली अपने पर्स में भी कैरी कर सकते हो। अगर आपका बड़ा सा हैंडबैग है तो आप इसे उसमें कैरी कर सकते हो, और आपको एक्स्ट्रा अलग से कोई कॉम भी कैरी करने की जरूरत नहीं है। आपको इसके साथ ही कॉम भी मिल जाती है, जैसा कि आप देख ही रहे हो। मुझे कॉम इसकी काफी अच्छी लगी है और इसकी कॉम निकल भी जाती है, ये देखिए कुछ इस तरीके से। और ये इस तरह से है, ये देखिए इसका हैंडल काफी अच्छा है। अब मैं इसकी बात करती हूँ टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर आप देख सकते हो इसका कोई भी ऐसा टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है। डिजिटल जो चीजें दी होती है वो इसका टेम्परेचर ऐसा नहीं दिया हुआ है। और इसके साथ आपको एक लाइट मिल जाती है, जब ये ऑन होगा तो ये लाइट ऑन हो जाती है। इससे आपको पता चल जाता है कि ये ऑन हो चुका है, लाइट ऑन हो जाएगी और रेड कलर की लाइट है इसमें। और इसका टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है, सिर्फ हाई और लो का दिया हुआ है कि अगर आप इसकी इस बटन को नीचे करते हैं तो ये थोड़ा सा लो हो जाएगा और इस तरह से हाई हो जाएगा। तो ऑन ऑफ का बटन है, इसी से ही आपका ऑन हो जाता है, इसी से ही आपका ये ऑफ हो जाता है। तो चलिए मैं इसकी हेल्प से अपने बालों को आपको कर्ल कर भी दिखा देती हूँ। वैसे इतने अफोर्डेबल प्राइस पर ऐसी चीज मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने अफोर्डेबल प्राइस पर आपको ये चीज मिल रही है और हर कोई इसे परचेज कर सकता है। बहुत ही ज्यादा अच्छी प्राइस है इसकी, और इतने कम दाम पे आपको इतनी अच्छी चीज मिलना, आजकल तो वही कहां मिलती है इतनी महंगाई में ये चीजें। तो चलिए क्विकली मैं आपको अपने बालों को इससे कर्ल कर आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले आपको इसे गर्म कर लेना है, और उसके बाद क्योंकि इसमें टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है तो वैसे एक सेकंड में या एक मिनट में ये गर्म हो जाएगी, तो आप अपने अकॉर्डिंगली भी देख सकते हो, अंदाजा आपको पता चल जाएगा। जस्ट ऐसे इस तरीके से आपने लगाना नहीं है, सिर्फ इस तरीके से देख लीजिएगा कि इसकी हीट अगर आपको लग रही है तो इसका मतलब ये गर्म हो चुका है। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये देखिए मैंने इसकी वायर को लगा दिया है, तो ये देखिए आप देख सकते हो इसमें लाइट इसकी ऑन हो चुकी है, ये देखिए आई एम श्योर आपको दिख रही होगी। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये ऑन हो चुका है। अभी तक ये गर्म नहीं हुआ है, तो जब तक ये गर्म होता है मैं अपने बालों को अच्छे से कॉम कर लेती हूँ, उसके बाद ही अपने बालों को कर्ल करना है। तो कर्ल करना तो आपको गाइस आता ही है, लेकिन जब भी आप अपने बालों को कर्ल करें तो अच्छे से शैम्पू कर लीजिए अपने बालों में, मतलब बालों में बिल्कुल भी गंदगी नहीं होनी चाहिए और कोई भी टैंगल नहीं होने चाहिए। बालों को अच्छे से सुलझा लीजिए और थोड़े थोड़े सेक्शन में ही बालों को कर्ल कीजिए, जैसे कि मैं अभी यहां पर करने वाली हूं। तो मैं सारे तो कर्ल नहीं करूंगी, और थोड़ा सा आपको मैं कर्ल कर दिखा देती हूँ। ये देखिए मैंने कॉम कर ली है अपने बालों में अच्छे से, और मेरी जो आयरन है वो भी गर्म हो चुकी है। तो मैं यहां पर आपको डेमो भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए मैंने इस आयरन को बंद कर दिया है। अब मैं बालों का थोड़ा सा सेक्शन लूंगी और इस तरीके से इस पर अपने बालों को फोल्ड करते हुए एक मिनट तक आपने होल्ड करना है। और जब भी आप फर्स्ट टाइम अगर कर्ल कर रही हैं तो अपने टेम्परेचर का जरूर ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके बाल डैमेज भी हो सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अगर आप फर्स्ट टाइम कर रही हैं, अगर आप एक्सपर्ट हैं तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। और मैंने एक चीज नोटिस किया दोस्तों कि अगर ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है ना तो इसमें से थोड़ा सा धुआं निकलने शुरू हो जाएगा, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। थोड़ा अंदाजा आपको रखना पड़ेगा इसके टेम्परेचर का, आप लो भी कर सकती हैं अगर आपको ऐसा कुछ लगता है, क्योंकि मुझे जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम लगाया था तो इसमें थोड़ा सा धुआं भी निकल रहा था, तो उस चीज का ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आप अपने बालों को कर्ल कर लीजिए। वाओ, बहुत अच्छे से कर्ल किया है इसने बालों को, आप देख सकते हो गाइस, ये देखिए।
अभी मैंने सिर्फ थोड़े से ही कर्ल किए थे तो काफी अच्छे इसने कर्लिंग की है मेरे बालों की, ये देखिए मुझे काफी अच्छा लगा है। बस टेम्परेचर का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो वैसे अच्छा है ये, इतने कम प्राइस पर आपको इतनी अच्छी चीज मिल रही है, ये देखिए आई एम श्योर आप देख पा रहे हो, तो मुझे काफी अच्छा लगा ये कर्लर। और गाइस अगर आप इसे यूज करना चाहते हो तो डेफिनेटली यूज कर सकते हो, इतने कम प्राइस पर आपको इतनी अच्छी चीज मिल रही है, तो अगर आप इसे परचेज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो इसे परचेज, एफोर्डेबल प्राइस पर आपको मिल जाएगी। और इसके परचेज लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज यूजुअल दे दूंगी, तो आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स यही थी मेरी आज की वीडियो, आशा करती हूँ आपको मेरा ये नोवा हेयर कर्लिंग आयरन का रिव्यू अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो प्लीज गाइस मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपसे मेरी कोई भी नई वीडियो मिस ना हो, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।